सिर्फ चारों तरफ हवा ही बनाई जा रही है और कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं देश में, सिर्फ हवा बना दीजिए आप काफी काम होना, और हवा बनाने में ही काम चल रहा है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं, हवा बनाने में, हवा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। अड़े थे जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। गजल वाले जो तवक्कु कर रहे होंगे या कर रहे हैं कि शेर क्यों नहीं आ रहा है, तो इस आदमी से जरा से अलग हटके सुनिएगा शेर। अभी उसकी पूरी जमात के साथ सुनिए बाप, कह रहा हूं कि मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, इन्हें, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने मौजूद है, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने। ये नाइंसाफी हुई है, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता हूं। क्या जाविया है, मैं जोरदार तालियां, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर किसी शेर पर आप कम दाद दे देंगे या किसी शेर पर ज्यादा दाद देंगे, मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये जो आपने जिन साहब को डिडवानिया साहब, मिस्टर नील, बड़े शरीफ ने और नेक आदमी, उनसे सारे मेरे मामला हो चुके हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं बहुत, और लेकिन यह है कि आप पर हर्फ आएगा कि यार जहां बोलना था वहां नहीं बोले, जहां दाद देनी थी वहां नहीं दी, बाकी तो सुंदर मालेगांव को खूब दाद दी, सब चली जाए, अब तो चल ही रहा था, लेकिन जहां शेर पे दाद देना चाहिए वो आपकी ड्यूटी है, किस शेर पर दाद देना है। कह रहा हूं कि अभी इन्हें ना, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने, कि अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, तमाम उम्र मुझे दरबदर जो कर सबका साथ, मरीज उलझे हुए दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए दवा बनाने में सबका साथ, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं सबका विकास मेरा मकबरा बनाने में। एक शेर पढ़ता हूं, मेरी बिरादरी के लोग जो पीछे बैठे हैं, अभी ये मुखातिब, इनसे मुखातिब हूं मैं, जिससे मैं मुखातिब था उसे भूल जाइए, मेरा दुख बयान करना चाहता हूं। क्या बात है, मैं ये भी कर सकता था इशारा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कर रहा हूं, सुनिएगा। आपके लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में,
ये चंद लोग, सागर त्रिपाठी को हटा लीजिएगा, ये नेक और शरीफ आदमी है, और आज के कीमती मुशायरे का की कामयाबी का जो सहरा है, मैं समझता हूँ कि ज्यादा नंबर उन्हीं को देना चाहिए कि इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, और हर शायर के साथ उन्होंने जो मेहनत करके आप तक पहुँचाया है, उनमें यकीनन सागर त्रिपाठी को, मैं भी पहली बार उनकी निजामत देख रहा हूँ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, यहाँ इसी महफिलें संभालना चाहिए। कह रहा हूं कि लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो